हमने जब साधना शुरू की, हमें साधना का कुछ नहीं पता था। ये नहीं कि हम सीख करके आए थे, ऐसे ही जन्म सिद्ध थे कि पैदा ही इसलिए हुए थे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं तो जन्म से ही सिद्ध था, वो अवतार होते हैं, मनुष्य नहीं होते। और अवतार कभी कभी आते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, ऊर्जा के लिए, कोई भी कारण हो, कुछ संदेश लेकर के, कुछ उपदेश लेकर के ज्ञान का। तो आप में और हमारे में कोई भेद नहीं है। जब आप बैठ करके साधना करोगे, जब हम ध्यान के अंदर बैठते थे, ऐसे ही कहीं भी बैठ जाते थे। ये नहीं कि नहीं एकांत में ही बैठेंगे, अगर पंखा बंद हो गया तो उठ लेंगे, ऐसी स्थिति नहीं थी। संकल्प बड़ा मजबूत था कि अगर मच्छर लड़ेंगे तो हम उठ जाएंगे, कल एसी में एक घंटा और ज़्यादा कर लेंगे, होते ही नहीं थी ये चीज़ें। ये बहुत दूर की चीज़ें होती थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आपके लिए भी ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, साधना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन डरा डरा करके, बहका करके, भटका करके, भ्रमित करके, भय पैदा करके, इधर उधर बांट दिया, साधना को बिखेर दिया, अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान बन गए, फिर अलग अलग जातियों के भगवान बन गए, अलग अलग कुलों के भगवान बन गए, अलग अलग परिवारों के भगवान बन गए, इतने भगवान बना दिए कि समय को भूल गए। ये नहीं कि ये 200-400 सालों से अभी हुआ है, पहले नहीं था ऐसा, सदा से ऐसा है, सतयुग में भी ऐसा ही था, त्रेता में भी ऐसा ही था, द्वापर में भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। जो जीव भजन करेंगे, उस रास्ते के ऊपर चलेंगे, वही जीव उस समय निकले थे, वही आज निकल सकते हैं। लेकिन बिना साधना के वहाँ तक ना जाया जा सकता है, ना वहाँ तक जाने की हम सोच सकते हैं। और बिना प्रयास के सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सीधा मार्ग। इस संसार के अंदर पदार्थों की कीमत होती है कि कोई भी पदार्थ देखो, पेड़ से लेकर के कोई भी पदार्थ, पृथ्वी, मिट्टी, हर चीज की कीमत है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत होता है, उसमें भाव की कीमत होती है, पदार्थों की कीमत कम हो जाती है। वहाँ भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पदार्थों की बजाय। और जो लगन होती है कि मैं करूं, खोज करूं, पहुंचूं वहां, उसकी कीमत ज़्यादा होती है भौतिक पदार्थों से।